तो इसमें टकोजी भी बनती थी, फ्लोर कुशन भी हो गए, इसमें सूट भी हो गए, इसमें वास्कट वगैरह भी हो गए और काफी ज्यादा आइटम होते थे इसमें। पहले सेठ तिजोरी वाले काम करते थे, बाहर से भी आर्डर आते थे, अब मजबूरी से जो सीखे हुए कर रहे हैं, कुछ रेड़ा चला रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहे हैं। मेरा नाम शफकतुल्ला है और मेरे वाले साहब भी यही काम करते थे, दुकानदार थे, और ये माल यहाँ पे बना के बाहर सप्लाई करते थे, पिशावर हो गया, लाहौर हो गया और कराची हो गया ना। इस काम से पहले तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन अभी तादाद काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गया है। पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि ये हालात की वजह से भी इस पर असर पड़ा है ना, क्योंकि अफगानिस्तान ये हमारा माल बहुत ज़्यादा जाता है और सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा जाता था, तो कोरोना की वजह से भी मसला बना है और दूसरा हालात की वजह से भी मसला बना है। अभी बहुत ज़्यादा मतलब काम छोड़ रहे हैं और काम से जो है ना उकता गए हैं, क्योंकि एक तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है और काफ़ी हालात की वजह से इसकी डिमांड में भी फ़र्क आया है। इसमें बहुत से आइटम होते थे, इसमें टकोजी भी बनती थी, फ्लोर कुशन भी हो गए, इसमें सूट भी हो गए, इसमें वास्कट वगैरह भी हो गए और काफ़ी ज़्यादा आइटम होते थे इसमें। इसमें बहुत अरसा पहले स्कूल बैग भी बनते थे। वक्त के हिसाब से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है मजदूरी, ना कारीगर की है ना दुकानदार का प्रॉफिट है इसमें, बस ये वही है कि बस लगे हुए हैं, अल्लाह पाक है रिस्क दे रहा है, बाकी इसमें वो हिसाब नहीं है। ये हमारा ज़्यादातर जो है ना कराची में जाता था और कराची से फिर सऊदी अरब जाता था, अभी पिशावर जाता है और पिशावर से जो है ना अफगानिस्तान जाता है, लेकिन हालात की वजह से वो भी थोड़ा मसला बना हुआ है, मतलब डिमांड कम हो गई है पहले से। इसकी मुख्तलिफ कीमत होती है, ये ऐसा समझिए कि स्टार्ट हो जाता है तकरीबन फी पीस जो है ना 150 रुपये में होल सेल पर छोटी साइज से, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 तक होता है बड़ी वस्काट। कुशन वगैरह की भी अपनी क्वालिटी है और उसका भी अपना ही रेट है, मतलब लो क्वालिटी में है तकरीबन 400 में 4 पीस और अच्छी क्वालिटी में तकरीबन 800 में 4 पीस है। ये दिन में ऐसा है कि छोटी जो बच्चों वाली है तकरीबन एक कारीगर दिन में 20 वास्काट बना लेता है और जो बड़ी वास्काट है ना वो 2 से ज़्यादा नहीं बन सकती। गुलाम जगीर नाम है, 30 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी मजदूरी कर रहा हूँ, काम भी चल रहा है, चलता है तो हम भी चलते हैं, काम काम तो है मजदूरी भी है, शुक्र करें तो इसमें हमारा अच्छा गुजारा हो जाता है, न शुक्री करें महंगाई को देखे तो रोना आता है। पहले टाइम इसकी 10 रुपए मिलती थी, अब 15 रुपए। ये काम पहले पहले सेठ लोग करते थे, अब गरीब गुरबा भी कर रहे हैं। पहले सेठ तिजोरी वाले काम करते थे, बाहर से भी आर्डर आते थे, मजदूर का बड़ा वैल्यू होता था, इसका भी वैल्यू होता था, अपना अपना नाम निशान शर्गीद भी होते थे, अब मजबूरी से जो सीखे हुए कर रहे हैं, कुछ रेड़ा चला रहे हैं, कोई रिक्शी टैक्सी चला रहे हैं। खरीदने वाले कराची भी जाता है, कराची से और हथरू सूदिया यानी कि बाहर मुल्कों में भी जाता है, ये कपड़ा भी बाहर मुल्क से ऐसे हम बनाते हैं, फिर इसको नया करके देते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं।